फिर से स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यंजन। आज हम लोग व्यंजनों के बारे में डिस्कस करेंगे, व्यंजन क्या होते हैं और व्यंजनों के भेद क्या हैं। तो आइए देखते हैं व्यंजनों के बारे में। व्यंजनों के बारे में हमारे सामने लिखा हुआ है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता है वे व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। मीन्स ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना स्वरों की सहायता के नहीं होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। या आप इस तरह से याद रख सकते हो कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में स्वर का आ शामिल रहता है। मीन्स जितने भी व्यंजन हैं उनमें सब में जो है स्वर का आ शामिल रहता है। जैसे आपने छा बोला तो छा में स्वर का आ शामिल है, इंक्लूड है। तो हर व्यंजन ध्वनि में, चाहे कोई भी व्यंजन ध्वनि हो, जैसे कि आपने बोला का, तो का में ये आ शामिल है। तो प्रत्येक व्यंजन ध्वनि में स्वर का आ शामिल रहता है या पाया जाता है, ये आप समझ सकते हो। तो यहाँ व्यंजन के बारे में आपको बताया गया कि प्रत्येक व्यंजन जो है वो स्वर के साथ बोला जाता है। मीन्स व्यंजनों का उच्चारण स्वर के साथ होता है, लेकिन स्वरों का उच्चारण बिना व्यंजन के होता है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, स्वरों में किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो व्यंजन है व्यंजनों के उच्चारण में स्वर का सहायता लेनी पड़ती है, स्वर का आ शामिल रहता है। ठीक है, चलिए यह हम देखते हैं। वर्णमाला से स्वरों को निकाल देने पर शेष वर्ण जैसे कि का खा गा घा आदि जो बचते हैं वो सब व्यंजन कहलाते हैं। तो वर्णमाला से स्वरों को समाप्त कर दीजिए, स्वरों को अलग कर दीजिए और स्वरों को हटा करके जो व्यंजन बचते हैं वो सब व्यंजन कहलाते हैं, या जो भी वर्ण बचते हैं वो सब व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन छोटा आ से मिलकर पूर्णतः उच्चारित होता है, ये भी हमने आपको बताया। उसमें से छोटा आ को निकाल देने से उसका रूप हलंत के साथ हो जाता है। तो व्यंजन से यदि स्वर का आ खत्म हो गया या व्यंजन से यदि हमें आ को, स्वर के आ को समाप्त करना है तो व्यंजन को हम हलंत के साथ लिखेंगे। मीन्स व्यंजन का जो उच्चारण होगा या व्यंजन का जो लिखना होगा वो हलंत के साथ लिखा जाएगा, जैसे का खा गा घा आदि। तो कोई भी व्यंजन वर्ण है उससे अगर स्वर का आ हमको समाप्त करना है तो हमें उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगाना होता है। हलंत का चिन्ह लगाने से वो स्वर रहित हो जाता है, उससे ये स्वर खत्म हो जाता है। ये आप व्यंजन की जो विशेषता है, जो व्यंजन का फीचर है, ये याद रखना है कि व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से बोला जाता है और व्यंजन के नीचे यदि हलंत का चिन्ह लगा है तो उसमें स्वर शामिल नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि हलंत का चिन्ह लगाने से व्यंजन वर्ण जो होता है वो आधा हो जाता है, उसका उच्चारण जो है हाफ हो जाएगा या उसको आधा माना जाता है। का से लेकर के मा तक जो व्यंजन है वो कुल 5 वर्गों में विभक्त है। मीन्स आप इस तरह से याद रखिए कि व्यंजनों के 5 वर्ग होते हैं और ये व्यंजनों के जो 5 वर्ग हैं ये कौन कौन से हैं, ये हमें यहाँ पर समझना है कि व्यंजनों के जो 5 वर्ग हैं ये क्या हैं। तो जो 5 वर्ग हैं वो का वर्ग के व्यंजन होते हैं, छा वर्ग के व्यंजन होते हैं, टा वर्ग के व्यंजन होते हैं, ता वर्ग के व्यंजन होते हैं और पा वर्ग के होते हैं। इसको आप याद रख सकते हो कि क च ट त प कचट तप। इस तरह से 5 जो है वर्ग हैं और 5 वर्ग क्या कहे जाते हैं, क च ट त प कचट तप, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। और इनका जो उच्चारण स्थान है व्यंजनों का, आप यहीं पर याद रख सकते हो कि का वर्ग कंठ से, का वर्ग का जो उच्चारण होता है वो क्या होता है, का वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, तो का वर्ग कंठ से। और जो चा वर्ग है उसका उच्चारण स्थान है तालु, चा वर्ग तालु से, का वर्ग कंठ से और चा वर्ग तालु। इसका का जो उच्चारण होगा का ख ग घ, इनका उच्चारण स्थान जो है वो कंठ है। और च वर्ग के जो व्यंजन है इनका उच्चारण स्थान जैसे कि च छ ज झ, इनका उच्चारण स्थान है तालु या तालव्य।
इसके बाद ये जो टावर्ग है, टावर्ग मूर्धा से, टावर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा कहा जाता है। और आप टावर को जब उच्चारण करोगे जैसे कि टा ठा डा ढाड़ा, तो जो हमारी टंग है वो हमारी मूर्धा को टच करती है, फिर वहाँ से साउंड या ध्वनि को या हवा को रिलीज करती है बाहर निकलने के लिए। तो इसलिए टावर का उच्चारण स्थान मूर्धा बताया गया है। और मूर्धा जो जगह है वो हमारे जो ऊपर वाले दांत हैं, इन दांतों के ऊपर ये रिज जो होती है इसी को मूर्धा बोलते हैं, और इसके ऊपर ये जो तालू होता है। तो मूर्धा क्या होती है, दांतों के ऊपर का जो पार्ट है तालू के नीचे का, उसको मूर्धा बोलते हैं। ठीक है, तो तुमने देखा कि कावर का उच्चारण स्थान कंठ से, चावर का उच्चारण स्थान होता है तालू, और टावर का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, मूर्धा। और ये जो तावर्ग है, तावर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत्य ता, आप बोल करके देखिए ता थ द ध न। तो तावर्ग के जो व्यंजन हैं इनके बोलने में हमारी जो टंग है, जो जीभ है, वो हमारे दांतों को टच करती है और इसके बाद ध्वनि को रिलीज करती है, इसलिए तावर्ग का जो उच्चारण स्थान बताया गया वो दंत्य बताया गया। इसके बाद है पावर्ग, और पावर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है ओष्ठ, मीन्स पावर्ग ओष्ठ से। इस तरह से याद रखिए, आप पा का उच्चारण करेंगे जो हमारी अंदर से आने वाली ध्वनि है वो ओंठ जब बंद होंगे फिर खुलेंगे इस तरह से ध्वनि बाहर जाएगी, जैसे पा फा बा भा और मा। तो यहाँ पर आपने देखा कि व्यंजनों के पांच वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग के पांच पांच व्यंजन होते हैं, और पांच वर्ग हैं और पांच व्यंजन है तो टोटल कितने हो गए, 25। मीन्स वर्गीय व्यंजनों की जो संख्या है वो 25 है, व्यंजनों के जो वर्ग हैं उनमें जो कुल व्यंजनों की संख्या है वो 25 है। यहाँ पर आप काउंट करके देख सकते हो कि पांच वर्ग हैं, कौन कौन से, कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग और पावर्ग। इसको आप कछट तप नाम से याद रख सकते हो। चलिए बच्चों, इसके बाद यहाँ पर अंतस्थ व्यंजनों के बारे में जानकारी दी हुई है। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं देखते हैं हम यहाँ पर। यारा लावा, इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। यारा लावा की जो ध्वनि है वो हमारे अंदर से आती है, इसलिए यारा लावा को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, यारा लावा। इसके बाद ऊस व्यंजन की बात आती है, ऊस व्यंजन कौन कौन से हैं, सा 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 और हा, मीन्स तीनों सा और हा का जो उच्चारण है वो ऊष्म है, या इनका नाम ऊष व्यंजन दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि इन सा सा और हा के उच्चारण में जो ध्वनि है वो घर्षण के साथ हमारे मुंह से बाहर आती है, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इनका नाम ऊष व्यंजन दिया गया है। इसके बाद बात आती है संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त का बच्चों मतलब होता है जुड़ा हुआ, शामिल, जिसमें कोई चीज़ शामिल हो वो संयुक्त हो जाएगी। तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन जो हैं इनकी संख्या 4 है, क्षत्रज्ञ और श्रा। तो क्षत्रज्ञ और श्रा को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनको संयुक्त व्यंजन नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इनमें दो ध्वनियाँ शामिल हैं। वो ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं जो इनमें शामिल हैं, ये यहाँ पर आपके सामने हैं कि इनमें दो ध्वनियाँ कौन कौन सी शामिल हैं। जैसे का है, छा है, ये छा, तो छा में जो संयुक्त व्यंजन वर्णों के योग से बनते हैं वो है का और सा। मीन्स छा में जो ध्वनि शामिल हैं दो वो कौन कौन सी हैं, का और सा, छा। त्रा जो है, त्रा में जो ध्वनि शामिल है वो कौन कौन सी ध्वनियाँ शामिल हैं, ता और रा, ता और रा मिलकर के त्रा हो गया। फिर है ग्या, ग्या में दो ध्वनियाँ कौन सी शामिल हैं, जा और या, चावर का यहाँ चा छा जा जा यहाँ वाला। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ग्या। मीन्स ग्या में जो ध्वनियाँ शामिल हैं वो जा और या, ग्या हो गया। इसके बाद है स्रा, स्रा में जो ध्वनियाँ शामिल हैं वो कौन सी ध्वनियाँ शामिल हैं, इसरा में सा और रा मिलकर के हो गया स्रा, इसलिए क्षत्रज्ञ और स्रा को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, ये संयुक्त व्यंजन है।
जिनके लिए अलग से लिपि चिन्ह निर्धारित हैं। उच्चारण की सुविधा के लिए डा और ढा के नीचे बिंदी लगाकर दो और वर्ण बनाए जाते हैं, जैसे कि डा के नीचे बिंदी लगा दी गई और ढा के नीचे बिंदी लगा दी गई। इनका जो प्रयोग है, जैसे हम सड़ना लिखते हैं या पढ़ना लिखते हैं, इस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है, डा के नीचे और ढा के नीचे बिंदी लगा करके। तो इनका दो नए नाम दे दिए गए और इनका जो नाम होता है वो होता है द्विगुण व्यंजन। मीन्स डा के नीचे बिंदी और ढा के नीचे बिंदी अगर लगी है तो इनका नाम होगा द्विगुण व्यंजन, क्योंकि इनमें दो गुण आ गए। इसी प्रकार हिंदी भाषा की वर्णमाला में कुछ 52 वर्ण हैं, ये आपको पता है। इसके अतिरिक्त जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार हमने आपको बताया था, ये जो अंग है इसको अनुस्वार बोलते हैं। अनुस्वार क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी ध्वनि मुंह और नाक दोनों से निकलती है, तो अंग की ध्वनि को अनुस्वार कहते हैं। इसका जो चिन्ह होता है ये इस तरह से होता है, अंग का चिन्ह, तो अंग की ध्वनि को अनुस्वार कहते हैं। और ये चंद्रबिंदु है, इसको भी अनुस्वार या अनुनासिक कहते हैं। चंद्रबिंदु का नाम भी अनुनासिक है, क्योंकि अनुस्वार और चंद्रबिंदु की ध्वनि जो है वो मुंह और नाक दोनों से निकलती है, दोनों स्थानों से निकलती है, किसी एक स्थान से नहीं निकलती है, इसलिए इनका नाम अनुस्वार दिया गया। इसके बाद यहाँ पर विसर्ग है। विसर्ग भी व्यंजनों के अंतर्गत समझे जाते हैं। मीन्स विसर्ग को भी आप व्यंजन मान सकते हो या विसर्गों को भी व्यंजन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता। विसर्ग को बोलने में स्वरों की सहायता ली जाएगी। जैसे आपने लिखा रामः, तो रामः मीन्स विसर्गें लगी। विसर्गों का प्रयोग संस्कृत में होता है, ये भी आप याद रखिए। और कुछ हिंदी वर्ण हैं जहाँ पर विसर्गों का प्रयोग किया जाता है, तो रामः मीन्स ये विसर्गें आ के बाद हा का उच्चारण हो रहा है, इसलिए ये स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं। तो स्वरों की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण होता है वो सब क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। तो जो भी वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएंगे वो सब व्यंजन होंगे, क्योंकि स्वरों का जो उच्चारण होता है वो स्वतंत्र होता है। आइए बच्चों, अब यहाँ पर हम देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण, हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक, वर्गीकरण का मतलब क्लासिफिकेशन यहाँ पर व्यंजनों का किया गया है। तो ये जो व्यंजनों का वर्गीकरण है ये हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से किया गया है। पहला हमारा पॉइंट है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन। उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं? उच्चारण स्थान क्या होता है? अभी हमने आपको बताया था कि कावर का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। चावर का उच्चारण स्थान कावर कंठ से, चावर तालु, तालु से, उसी तरह से यहाँ पर दिया गया है। तो पहला यहाँ पर जो उच्चारण स्थान है फर्स्ट है स्वरयंत्र मुखी। अब ये बच्चों स्वरयंत्र क्या होता है? स्वरयंत्र का जो पॉइंट है ये हमारे गले में होता है, गले में। यहाँ पर मुंह के नीचे जो है आप देखोगे इसको खोल करके तो यहाँ दिखेगा, मुंह आप खोल करके देखोगे शीशे के सामने तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो स्वरयंत्र मुखी जो वर्ण है वो क्या है? हा। हा का उच्चारण स्थान जो होता है वो स्वरयंत्र मुखी है, हा को स्वरयंत्र मुखी कहा जाता है। इसके बाद अगला उच्चारण स्थान कंठ है, और हमने आपको बताया था कावर्ग कंठ से होता है। कावर्ग में 5 वर्ण हैं, का खा गा घा या, तो कावर्ग कंठ से हो गया। तो कंठ वाले जो है व्यंजन कौन से हैं या वर्ण कौन से हैं? ये हैं। तालव्य वाले वर्ण या व्यंजन कौन से हैं? चावर्ग तालु से होता है। यहाँ पर चावर्ग के 5 हैं, चा छा जा जा या, और इसमें या और सा को और शामिल कर दीजिए। तो तालव्य जो व्यंजन हैं या तालव्य वर्ण हैं या व्यंजन वर्ण हैं उनकी संख्या कितनी है? 7। इसके बाद आता है मूर्धन्य। अभी मूर्धा के बारे में हमने बताया था, टावर्ग मूर्धा से होता है। तो टावर्ग के जो व्यंजन हैं वो सब मूर्धन्य कहलाते हैं, टा ठा डा डा ढा, और इसमें ये खटकोड़ वाला सा और प्लस करना होगा। तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धन्य कहलाता है। इसके बाद है वत्सल, अगला नंबर है। वत्सर में क्या क्या आता है? वत्सर में ना आता है, ला आता है, रा आता है और सा आता है। इसको आप एक वर्ड से याद रख सकते हो, शब्द से, और शब्द है सरल। मीन्स सरल का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? वर्तस्य है।
वत्सर्य वाले जो वर्ण हैं वो सरल है, और सरल के साथ एक ना को आप और जोड़ दीजिए। फिलहाल ये ना इसमें शामिल नहीं किया जाता है, ये तीन ही हैं, ये ना आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख दिया इसमें है। तो सरल का जो उच्चारण स्थान है, चूँकि ये ना वर्ण तुम्हारा जो है इसमें नहीं काउंट किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखते हैं अगला हमारा जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, एक सेकेंड। तो वत्सल्य वाले यहाँ पर आपने व्यंजन देखे कौन कौन से हैं, इसको आप सरल याद रखोगे। और दंत, दंत का मतलब जिन वर्ण, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्थान दंत से होता है वो कौन कौन से हैं, ता वर्ग दंत से, ता था दा धा, ता था दा धा, हाँ इसमें चार ही हैं, ना नहीं है, ता था दा धा, इनका उच्चारण स्थान क्या है, दंत। इसके बाद आता है ओष्ठ, ओष्ठ वाले व्यंजन यहाँ पर लिखे नहीं गए हैं, लेकिन हमने आपको बताया था कि पा वर्ग जो होता है ये ओष्ठ से होता है, यहाँ पर इसको आप भूल जाइए, इस तरह का कोई चीज़ नहीं होती है, पा वर्ग ओठ से। तो पा वर्ग वाले व्यंजन है, आप बोल के समझ सकते हो, पा फा बा भा मा, ये भा है, इसको भा आपको पढ़ना है, पा फा बा भा मा, ये ओष्ठ वाले व्यंजन होते हैं। इसके बाद दंतोष्ठ वाले जो व्यंजन हैं वो होते हैं वा और फा, वा और फा का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ वाले व्यंजन कौन से हैं, वा और फा। तो ये था उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजन है वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर आपने देखा कंठ हैं, स्वरेंद्रमुखी हैं, तालव्य हैं, मूर्धन्य हैं, वर्तस्य हैं, दंत हैं, ओष्ठ हैं, दंतोष्ठ हैं, क्लियर। अब इसके बाद बात आती है सेकेंड नंबर की, और सेकेंड नंबर में लिखा है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, और जो प्रयत्न होते हैं वो दो होते हैं, एक अभ्यंतर प्रयत्न होता है, एक बाह्य प्रयत्न होता है। तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कौन से हैं, प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन है वो दो प्रकार के हैं, स्पर्श व्यंजन है और स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन क्या है, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो स्पर्श व्यंजन देखिए बच्चों यहाँ पर है, कौन कौन से दिए हैं, का वर्ग का खा गा घा चार दिए हैं, टा वर्ग में टा ठा डा तीन हैं, और चा वर्ग का यहाँ पर झा दिया हुआ है, एक ही है, ता वर्ग में ता था दा तीन है, ता था दा धा चार हैं, पा वर्ग में पा फा बा भा मा चार हैं। तो ये उच्चारण या अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन है इनको आप काउंट कर लीजिए, और किस वर्ग के कितने वर्ण हैं ये ध्यान रखना है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, चा छा जा झा को स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोला जाता है, चा छा जा झा को स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो ये था व्यंजनों का वर्गीकरण, और ये यहाँ पर अभी हम समझ रहे थे अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन है और स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, और ये आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा, बिना याद किए ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसके बाद अगले जो हैं वो हैं संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन का मतलब तीनों सा और हा, चूँकि इनके उच्चारण में घर्षण होता है और इनको संघर्षी व्यंजन कहा गया। संघर्षी व्यंजन के बाद अगला पॉइंट है पार्श्विक व्यंजन, और ये पार्श्विक व्यंजन जो होता है वो एक ही होता है ला, इसको पार्श्विक नाम क्यों दे दिया गया ये समझना है। ला को आप बोल करके देखिए, ला का उच्चारण करके देखिए तो समझ में आएगा ला, तो ला के बोलने में जो हमारी टंग है वो हमारे तालू को बंद कर देती है, और जो ध्वनि है वो तालू के किनारे से निकलती है, इधर से तालू को टंग इस तरह से बंद कर देती है, राइट। तो तालू के किनारे से जो ध्वनि निकलती है इसलिए इस स्थान का नाम होता है पार्श्व, और ला का जो उच्चारण स्थान है वो पार्श्विक है, ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। लुंठित व्यंजन जो होता है वो आर होता है, आर का मतलब रा, रा को लुंठित व्यंजन कहा जाता है। उच्छित व्यंजन, उच्छित नाम दिया गया है, डा के नीचे बिंदी और ढा के नीचे बिंदी, इनको उच्छित व्यंजन कहा जाता है, और इनका दूसरा नाम द्विगुण व्यंजन है, इनको याद रखिएगा, डा के नीचे बिंदी ढा के नीचे बिंदी, इनका नाम उच्छित व्यंजन प्लस द्विगुण व्यंजन। इसके बाद बात आती है अंतस्थ या अर्धस्वर की, तो अंतस्थ व्यंजन अभी आपको बताए थे यारा लावा, तो अंतस्थ
या अर्धस्वर, अब इसमें बात सिर्फ रहेगी अर्धस्वर की। अर्धस्वर वाले व्यंजन कौन से होते हैं? या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है। अर्धस्वर किसे कहते हैं? या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है। क्लियर। चलिए इसके बाद अनुनासिक है। अनुनासिक का मतलब नासिका के साथ जिनका उच्चारण होता है, तो नासिका के साथ जो उच्चारण होने वाले व्यंजन हैं वो हैं प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर। प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर नासिक के होता है। प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर जब हम बोलते हैं तो उसके उच्चारण में नासिका और मुंह दोनों से ध्वनि निकलती है, इसलिए अनुनासिक नाम दिया गया। अनुमान्य साथ में नासिक का मतलब नासिका के, मीन्स मुख और नाक दोनों से जो ध्वनि निकलती है वो व्यंजन अनुनासिक होते हैं। और ये कौन होते हैं? प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर नासिक होता है। पांच वर्ग होते हैं, ये आपको पता है। तो यहाँ पर बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर नासिक के व्यंजन कौन से हैं, नासिक के वर्ण कौन से हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, एक सेकेंड, प्रत्येक वर्ग का जो ये अंतिम अक्षर है इनको पंचमाक्षर भी बोला जाता है, या पंचमाक्षर व्यंजन कौन से हैं। प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर पंचमाक्षर है, ये अनुनासिक वर्ण है। अभी आपको बताया संस्कृत में अपने वर्ग के वर्ण के साथ ही अनुनासिक पंचमाक्षर का प्रयोग होता है। मीन्स संस्कृत में यदि कोई शब्द लिखा जाता है तो उसमें पंचमाक्षर का प्रयोग होता है। जैसे कंठ लिखा है, दम्भ लिखा है, इस तरह के जो वर्ड्स लिखे जाते हैं संस्कृत के, तो उसमें पंचमाक्षर का प्रयोग होता है। प्रायः हिंदी में इस नियम का पालन नहीं किया जाता, हिंदी में पंचमाक्षरों का प्रयोग नहीं किया जाता है। और अनुस्वार का प्रयोग हिंदी में किया जाता है, अनुस्वार का प्रयोग बढ़ रहा है का मतलब हिंदी में अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। अनुस्वार का मतलब ये अंक की जो बिंदी होती है इसी को अनुस्वार बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है और संस्कृत में पंचमाक्षर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन। उच्चारण में जो प्रयत्न था एक अभ्यंतर प्रयत्न था, अभी आपने ऊपर देखा, यहाँ पर है बाह्य प्रयत्न। तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कौन से हैं? बाह्य प्रयत्न के आधार पर नाम दिया गया है, पहला है अघोष और दूसरा है घोष। घोष और अघोष का मतलब होता है ध्वनि या नाद। तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर यहाँ पर है अघोष। अघोष में कौन कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग, अभी आपको हमने बताया था कि पांच वर्ग होते हैं, तो यहाँ पर लिखा है प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय व्यंजन जो होता है वो अघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर या वर्ण अघोष होता है। घोष क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष होता है। तो घोष और अघोष याद रखिएगा कि प्रत्येक वर्ग का जो तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण होगा वो घोष होगा और पहला और दूसरा होगा वो अघोष होगा। इसके बाद पॉइंट है अल्पप्राण और महाप्राण की। अल्पप्राण वाले व्यंजन कौन से हैं और महाप्राण वाले व्यंजन कौन से हैं? अल्पप्राण का मतलब है जिन व्यंजनों के उच्चारण में अल्प मात्रा में प्राण का मतलब ध्वनि वायु निकलती है वो अल्पप्राण होते हैं। महाप्राण का मतलब है जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक मात्रा में वायु या ध्वनि निकलती है वो महाप्राण होते हैं। तो अल्पप्राण वाले जो व्यंजन हैं वो हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। मीन्स प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम व्यंजन अल्पप्राण होते हैं। और महाप्राण में प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन, मीन्स दूसरा और चौथा वर्ण या व्यंजन महाप्राण होता है। तो अल्पप्राण और महाप्राण वाले इस तरह से व्यंजन आपको याद रखने हैं कि अल्पप्राण में कौन से आएंगे, महाप्राण में कौन से आएंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट में आपके सामने है पेशीय तनाव के आधार पर। तो ये पेशीय तनाव के आधार पर जो व्यंजन हैं वो कौन से हैं? तनाव दो प्रकार का होता है, एक तो कठोर तनाव होता है और दूसरा शिथिल तनाव होता है। मीन्स व्यंजनों के उच्चारण में जब हमारी टंग जो जीभ है वो कठोर हो जाती है तो कठोर तनाव कहा जाएगा, और जब शिथिल हो जाएगी तो शिथिल तनाव कहा जाएगा, ठीक है। तो कठोर में अघोष और महाप्राण व्यंजन आते हैं। अघोष और महाप्राण जो व्यंजन हैं वो कठोर तनाव के होते हैं। शिथिल तनाव के जो व्यंजन हैं वो घोष हैं और अल्पप्राण हैं।
तो घोष और अल्पप्राण व्यंजन जो होते हैं वो शिथिल होते हैं। तो ये बात थी यहाँ पर व्यंजनों के बारे में। आई थिंक कि व्यंजनों के बारे में आपको यहाँ पर जो व्यंजनों का क्लासिफिकेशन है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखोगे तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपके। चलिए अब हम बात यहाँ पर करेंगे कुछ अदर पॉइंट्स की। यहाँ पर दिया है विसर्ग, विसर्ग के बारे में बच्चों देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः संस्कृत में पाया जाता है, फिर भी हिंदी में इसका प्रयोग इस प्रकार करते हैं। हिंदी में विसर्गों का प्रयोग कुछ शब्दों को लिखने में किया जाता है, वो हमारे सामने इस तरह से हैं। सब देखिए बच्चों, हिंदी में विसर्गों का प्रयोग क्या है। जैसे हमको प्रातः लिखना है, प्रातः है तो प्रातः, प्रायः, अंतःकरण, दुख, इन शब्दों को लिखने में विसर्गों का प्रयोग होता है। ये शब्द आपको याद करने हैं या समझना है कि कौन कौन से शब्द जो हैं वो विसर्गों का प्रयोग करके लिखे जाते हैं। वो हैं प्रातः, प्रायः, अंतःकरण और दुख, इनमें विसर्गों का प्रयोग करके लिखा जाता है। अदरवाइज विसर्गों का यूज जो होता है वो संस्कृत में होता है। क्लियर? एक सेकेंड। अब बात आती है चंद्रबिंदु की। तो चंद्रबिंदु क्या है? हिंदी की यह अपनी ध्वनि है, यह संस्कृत में नहीं है। मीन्स चंद्रबिंदु का प्रयोग संस्कृत में नहीं किया जाता है। इसके उच्चारण के समय हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है, इसीलिए इसको अनुनासिक भी बोला जाता है। चंद्रबिंदु युक्त शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित है, जैसे कि चंद्रबिंदु वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं गाँव लिखना है, चंद्रबिंदु का प्रयोग करके हम लोग लिखते हैं। पाँव लिखना है, चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं। बांध लिखना है, चंद्रबिंदु का प्रयोग करके लिखते हैं। आंगन लिखना है, चंद्रबिंदु का प्रयोग करके लिखते हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे वर्ड जो है लिखे जाते हैं चंद्रबिंदु का प्रयोग करके। तो ये बात थी चंद्रबिंदु की और विसर्ग की। इसके बाद हमारा पॉइंट है हलंत, और हलंत के बारे में देखो यहाँ लिखा है, जहाँ दो वर्णों को जोड़ने में असुविधा होती है, किन्हीं दो वर्णों को जोड़ना है और जोड़ने में कोई प्रॉब्लम है, उनका उच्चारण सही नहीं हो रहा है, तो वहाँ हलंत चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे पद्मा लिखना है तो यहाँ पर इस दा में हलंत लगाया गया। पट्ठा लिखना है तो टा में हलंत लगाया गया। और हलंत का प्रयोग जो है वर्ण के, शब्द के वर्ण के उच्चारण को आधा कर देता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। जैसे बुढ़ा लिखना है तो डा के नीचे हलंत लगा है, खाद्य लिखना है तो दा के नीचे हलंत लगा है। मीन्स हलंत लगाने से जो उच्चारण है वर्ण का वो आधा हो जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात आती है यहाँ पर रेफ। रेफ क्या होता है? तो रेफ जो रा ऊपर लगता है किसी शब्द में, शब्द को लिखने में, तो ये रेफ का चिन्ह इस तरह का होता है। इस तरह का रा का जो चिन्ह है जब व्यंजन वर्ण के ऊपर लगाया जाता है तो उसे रेफ कहते हैं। जैसे गर्म लिखा है, धर्म लिखा है, कर्ज लिखा है, वर्ण लिखा है, इनमें सब में रेफ का यूज़ किया गया है। रा का चिन्ह जो है वर्ण के ऊपर लगाया गया है व्यंजन वर्ण के, तो ये रेफ होता है। और रा का चिन्ह जो है ये व्यंजन वर्ण में नीचे भी लगाया जाता है। जैसे त्रा लिखना है तो इस तरह से लिख दिया, प्रा लिखना है इस तरह से लिख दिया। तो जो ऊपर लगता है उसको रेफ बोलते हैं, और इस तरह से रा का प्रयोग नीचे भी किया जाता है किसी भी वर्ण के। अब यहाँ पर बात है सिर्फ चंद्र की, विदाउट बिंदु। तो चंद्र का जो निशान है कुछ शब्दों में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। यह बिंदु रहित चंद्र है, मीन्स इसमें बिंदु नहीं रहेगा, जिसका उच्चारण अ के समान होता है, आ के समान नहीं। इस चंद्र का जो उच्चारण है ये आ के समान नहीं होगा। किसके समान होगा? अ के समान होगा। अंग्रेजी के कुछ शब्द होते हैं जिसमें चंद्र का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि नॉलेज है, डॉक्टर है, ऑफिस है, टॉफी है, कॉफ़ी है, इस तरह के इंग्लिश के कुछ शब्द हैं जिसमें कि चंद्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये था बच्चों आज व्यंजनों के बारे में। और आई थिंक कि आपको व्यंजनों का वर्गीकरण और व्यंजन क्या होते हैं और व्यंजन के साथ साथ हलंत, रेफ और चंद्र का यूज कैसे किया जाता है ये समझ में आ गया होगा।
मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। थैंक यू।